एक बार फिर से शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे हैं आज ओव्यूल की परासंरचना के बारे में, या ये कहें कि हम लोग पुष्प के फीमेल जननांग को पढ़ रहे हैं। फीमेल जननांग यानी कि मादा जननांग को कहा जाता है गाइनोइसियम या कार्पल। गाइनोइसियम तीन हिस्से से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, क्लियर है सबको यहाँ तक बेटा? अच्छा, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसे कहते हैं हम लोग बीजांड, जिसे कहते हैं बीजांड। लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने? आगे बढ़े? यस सर। अच्छा बेटा, अब आप बाहर निकाल के, बीजांड को हम लोग बाहर निकाल के देख रहे हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है इसका। लिखो बेटा, इसमें लिखो बीजांड को ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने का कार्य फ्यूनिकल करता है। ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे? फ्यूनिकल। कौन कर रहा है? फ्यूनिकल करता है। ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने का काम फ्यूनिकल करता है, ठीक है? आगे सुन लो। ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने का काम फ्यूनिकल करता है, ठीक। ओव्यूल सामान्यतया, लिखते रहो, ओव्यूल सामान्यतया दो आवरण का बना होता है। ओव्यूल सामान्यतया दो आवरण का बना होता है, जिसे हम आउटर तथा इनर इंटेगमेंट कहते हैं। आउटर तथा इनर इंटेगमेंट कहते हैं। देखो आप सबको जूम करके दिखा रहे हैं, दिख रहा है? आउटर तथा इनर इंटेगमेंट कहते हैं, ठीक। हाँ बेटा, आउटर तथा इनर इंटेगमेंट कहते हैं। दोनों इंटेगमेंट के अंदर न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं। दोनों इंटेगमेंट, देखो इन दोनों इंटेगमेंट के अंदर कौन सी कोशिका है? ये वाली न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं। जरा देखो, मैं ऐसे ऐसे भर दे रहा हूं। दोनों इंटेगमेंट के अंदर न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं, जो ब्लू कलर से कोशिकाएं बना दिया हूं। दोनों इंटेगमेंट के अंदर न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है? लिख लिया? यस सर। न्यूसेलस हो गया बेटा, ये न्यूसेलस की कोशिका होती है। न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर इम्ब्रियो सैक तथा उससे संबंधित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर इम्ब्रियो सैक, ऐसे लिखो, न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर अपने अंदर, न्यूसेलस के अंदर ही बनाया, न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर अपने अंदर इम्ब्रियो सैक तथा उससे संबंधित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुनो बेटा। न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर इम्ब्रियो सैक तथा उससे संबंधित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है? हो गया? Yes, sir. अब हम सिर्फ इम्ब्रियो सैक को बाहर निकाल के दिखा दे रहे हैं बेटा। ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, इसको बाहर निकाल के दिखा दे रहे हैं।
क्या लग रहा है, क्या बन गया ये? एग ना, ये क्या बन गया? सिनर्जीड। ये ब्लू कलर से क्या बन गए? एंटीपोडल सेल। बीच में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। बीच में कैसा न्यूक्लियस होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये एम्ब्रियो सैक है। ये पूरा क्या है? एम्ब्रियो सैक। उसके अंदर कितने, ये क्या चीज है? नाम बताइएगा बेटा साथ में, जरा देखें कितने लोगों को याद है ये क्या है। ये क्या चीज है? ये क्या है और ये क्या है? ठीक। और यहां जो डॉट, दो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चीज है? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। दिखाई दे रहा है? तो ये वास्तव में क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक है। तो अब आपसे पूछा जाता है बच्चों, कंपटीशन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं और कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितनी कोशिकाएं और कितने न्यूक्लियस होते हैं, जरा गिनो। एक एग वाली कोशिका हो गई, एक दो सिनर्जीड की कोशिकाएं हो गई, तीन कोशिका ये हो गई, चार पांच और छह कोशिका, तीन एंटीपोडल हो गई, छह कोशिका हो गई कि नहीं हो गई? छह कोशिका हो गई, दिख रहा है? छह कोशिकाएं दिख रही हैं, काउंट हो रहा है। ये है एम्ब्रियो सैक। फिगर शोइंग एम्ब्रियो सैक, ठीक है। छह कोशिका हो गई पक्का, एक दो तीन चार पांच छह कोशिका, ठीक। पूछेगा कितने न्यूक्लियस, तो देखो जरा काउंट करो, जितनी कोशिका उतने न्यूक्लियस तो होंगे ही, लेकिन बीच में दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, बीच में दो न्यूक्लियस, तो एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, छह कोशिका और आठ न्यूक्लियस, छह कोशिका और आठ न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सैक में कितना होगा? छह कोशिका और आठ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, छह कोशिका और आठ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्यों बेटा बोल काहे नहीं रहे? Yes, sir. बाकी लोग कहां चले गए? हो गया, लिख लिया है, बना लिया है फिगर? Yes, sir. अच्छा, yes, sir. ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, दोनों इंटेगमेंट आप आगे की तरफ आकर के जुड़ते नहीं है, पूरा कंप्लीट जुड़ते नहीं है, एक गैप छोड़ देते हैं, एक गैप छोड़ देते हैं, उसी रास्ते से मेल गैमीट का जो पॉलन ट्यूब है वो आकर के फ्यूज करेगा, यहीं से आकर के फ्यूज करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। हमें आप बताएंगे कि एक एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं तथा कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कौन कौन बता देगा? छह कोशिकाएं आठ न्यूक्लियस। वेरी गुड। कैसे? कैसे बताएंगे? हाँ बेटा बताओ कैसे। छह कोशिकाएं आठ न्यूक्लियस कैसे हो गए? जोड़ो, दो सिनर्जीड एक एग तीन हो गए, तीन एंटीपोडल सेल छह हो गए, दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे अंदर बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस,
तो छह तो कोशिकाएं हो गई, छह क्या हो गई, कोशिकाएं हो गई। तो छह कोशिकाओं में छह न्यूक्लियस, सातवीं और आठवां जो न्यूक्लियस है वो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सातवां और आठवां जो क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस है। इसीलिए एंजियोस्पर्म में यानी कि आवृत बीजी पौधों में एम्ब्रियो सैक में छह कोशिकाएं तथा आठ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, छह कोशिकाएं तथा आठ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, छह कोशिकाएं तथा आठ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस CLEUS हो गया, सभी लोगों ने लिख लिया है, मिटा के आगे चलें। यस सर। बच्चों ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल अपनी संरचना कई प्रकार से शो करता है, मतलब ओव्यूल भी कई प्रकार से हो सकता है, ओव्यूल भी कई प्रकार से हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ये माइक्रोपाइल, ये जो है चलाजा और फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकल और इम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल यहां से काउंट करो, माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकल और इम्ब्रियो सैक, ऐसे माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकल और इम्ब्रियो सैक की संरचना के आधार पर, की संरचना के आधार पर ओव्यूल भी कई प्रकार के हो सकते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं और ओव्यूल के प्रकार बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि ओव्यूल कितने प्रकार का होगा, तो जब पूछा जाएगा तो आप पूरा फिगर बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे तथा उसके उदाहरण को बताएंगे। शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यह बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि ओव्यूल की संरचना बनाइए, आप लोग बना देंगे ये वाला? Yes, sir. बात सुनिएगा, गलत हो। आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आपसे ओव्यूल की संरचना पूछे, सिर्फ ओव्यूल की, आप लोग फटाफट बनाएंगे गाइनोसियम, गाइनोसियम में बनाएंगे ओव्यूल, इस ओव्यूल को बाहर निकाल के बनाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से एम्ब्रियो सैक को बाहर निकाल के बनाएंगे। जब आप ये तीनों कंप्लीट फिगर बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको 100% पूरा का पूरा नंबर देगा, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर देगा। समझ में आ रही बात, जब आप जब भी पूछे, आपसे पूछेगा कि इसका बीजांड की संरचना का वर्णन करिए, बेटा सिर्फ बीजांड मत करना, गाइनोसियम बनाना, उसमें से बीजांड बनाना, बीजांड को बाहर निकाल के दिखाना, उस बीजांड में से इम्ब्रियो सैक को बाहर निकाल के दिखाना, और ये जब पूरा बना दोगे, इसकी व्याख्या भी लिख दोगे, तो समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे को आता है। आपने कहां तक लिख लिया था, ये लिख लिया था एंटीपोडल सेल एक्स एनर्जी डिस वगैरह भी लिखवाया है कि छूटा हुआ है, अभी कहां तक हमने लिखवा दिया है? कहां तक लिखवा दिया है? हाँ जी, कहां तक लिखा दिया गया है बच्चा? सुहानी, श्रद्धा, लाली, कहां तक लिखवाया जा चुका है? सॉरी, थोड़ा जोर से बोल दो सर, सुहानी एक बार और बोलो, एंटीपोडल सेल ये इसके बारे में लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? बोलो कहां तक लिखे हो, कोई बोल दो। इम्ब्रियो सैक से संबंधित, इम्ब्रियो सैक से संबंधित कोशिकाओं का निर्माण करती है, यहां तक हो चुका है? ठीक है, अब इम्ब्रियो सैक में लिखो, लिखो आगे लिखो, इम्ब्रियो सैक में, इम्ब्रियो सैक में, इम्ब्रियो सैक में एक एग सेल तथा उसके उसके दोनों तरफ दो सिनर्जिड की कोशिकाएं होती हैं। इम्ब्रियो सैक में एक एग सेल तथा उसके दोनों तरफ दो सिनर्जिड की कोशिकाएं होती हैं, दो सिनर्जिड की कोशिकाएं होती हैं,
एम्ब्रियो सैक में एक एक सेल तथा उसके दोनों तरफ दो सिनर्जिड की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। एग के ठीक विपरीत तरफ या एग के ठीक विपरीत दिशा में एम्ब्रियो सैक के अंदर एग के ठीक विपरीत दिशा में एम्ब्रियो सैक के अंदर तीन एंटीपोडल कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल होती हैं। एम्ब्रियो सैक में एग के ठीक विपरीत दिशा में तीन एंटीपोडल सेल होती हैं। लिख लिया? सर एक बार और बोल दीजिए। एम्ब्रियो सैक में एग के एक सेल के ठीक विपरीत तरफ तीन एंटीपोडल सेल होती हैं। ठीक है। एंटीपोडल सेल तथा एग सेल के बीच में दो सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंटीपोडल सेल तथा एग सेल के बीच में दो सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दो सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हो गया। इस प्रकार एम्ब्रियो सैक में छह कोशिकाएं तथा आठ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस प्रकार एम्ब्रियो सैक में छह कोशिकाएं तथा आठ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। छह न्यूक्लियस तथा आठ कोशिकाएं पाई जाती है। हो गया। जानते हो बच्चों, मेरी बात सुनाई दे रही है सबको? सभी ने लिख लिया? यस सर, हो गया। कभी कभी एम्ब्रियो सैक को भी एक कोशिका मान लिया जाता है। कभी कभी एम्ब्रियो सैक को भी एक कोशिका मान लिया जाता है। और उस हिसाब से अगर एम्ब्रियो सैक को एक कोशिका मान लेंगे तो सात कोशिकाएं हो जाएंगी, और लेकिन न्यूक्लियस तो वो भी आठ ही होंगे। सात कोशिकाएं आठ न्यूक्लियस अगर कहीं विकल्प में देता है, छह कोशिका आठ न्यूक्लियस नहीं देता है, सात देता है, तो भी आप लोग उसे सही मानिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एम्ब्रियो सैक को भी एक कोशिका मान लिया गया। एम्ब्रियो सैक को भी एक कोशिका मान लिया, क्योंकि ये बाहर से देख रहे हैं ना, एम्ब्रियो सैक कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका, तो एम्ब्रियो सैक को जब एक कोशिका मानेंगे तो वो सात कोशिकाएं आठ न्यूक्लियस हो जाएंगे। लेकिन सामान्य अवस्था में छह कोशिका तथा आठ न्यूक्लियस पाए जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक को भ्रूणपोष बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं, ठीक। और भ्रूणपोष के बाहर क्या होता है? न्यूसेलस। भ्रूणपोष के बाहर क्या होता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस को कौन ढका रहता है? तो आउटर और इनर इंटेगमेंट ढके रहते हैं। आउटर और इनर इंटेगमेंट आपस में फ्यूज करते हैं तो चलाजा बनाते हैं। चलाजा हीलम, चलाजा फ्यूनिकल से जहां फ्यूज होता है वहां उसको हीलम बोलते हैं। क्लियर है सबको? ये स्ट्रक्चर आप लोग आंख बंद करके भी बता सकते हैं क्या? बना लेंगे, पूछूंगा कुछ तो बता सकते हैं। अगर आपसे इसके बीच इसके लिए कुछ चीजें पूछूं इससे संबंधित, तो क्या आप बता पाएंगे? यस। बड़ा धीरे से बोल रही हो बेटा, डाउट है फिर से दोहरा दें। किसी को कोई डाउट है कि आगे बढ़े? yes, क्या करें? यस सर, क्या सर, आगे बता दें। चलो, अब देखो, माइक्रोपाइल चलाजा इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म करें एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल चलाजा एम्ब्रियो सैक तथा फ्यूनिकल की पोजीशन के आधार पर छह प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ओव्यूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, पूरा मिटा रहे हैं बेटा। मधुर, यू आर टू लेट।
क्या बेटा? हाँ, थ्योरी के नीचे ही हेडिंग डलेगी ना, फिगर वाला पोर्शन तो वो खत्म, जितना लिख दिया लिख दिया, अब अगला आगे चल रहे हैं हम लोग। हाँ मधुर, यू आर सेइंग समथिंग, यू आर टू लेट। वाई, कहाँ हो भाई, कहाँ देर हो गई? बारिश, बारिश हो रही है क्या? यस सर। टाइम से आओ बच्चा। चलो, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के प्रकार या अंडाशय, अंडाशय ना, क्या बोलेंगे इसको? ओ सॉरी, बीजांड, बीजांड, बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार, ठीक है। देखो बच्चों, एक ऐसे बना लेते हैं फ्लो चार्ट टाइप का, एक दो तीन चार, थोड़ा और बराबर रोल करें, दो तीन चार पांच और छ, लग छ, ठीक है, छह हो गए। सबसे जो पहला प्रकार है ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल लिखते जाओ। ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल, फिर एनाट्रॉपस, एनाट्रॉपस ओव्यूल, फिर एम्फीट्रॉपस ओव्यूल, सिरसिनोट्रॉपस ओव्यूल, ओव्यूल कंपाइलोट्रॉपस ओव्यूल, ठीक है, सिरसिनो ट्रापस ओव्यूल, कंपाइलो ट्रापस ओव्यूल, हेमी ट्रापस या हेमी एना ट्रापस ओव्यूल, हेमी ट्रापस ओव्यूल, आप ये बना के लिख लीजिए, फिर एक एक हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में संरचना का पूरा अध्ययन करेंगे। तो पहला जो आ जाएगा, आप लोग हेडिंग डालेंगे आर्थोट्रॉपस ओव्यूल, आर्थोट्रॉपस ओव्यूल, आर्थोट्रॉपस ओव्यूल, क्या हुआ बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल, ओ आर टी एच ओ टी आर ओ पी ओ यू एस, ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल, ठीक है।
दिख गया? दिख गया? कंपाइल ड्रॉपर्स दिख गया होगा। दिखाई दे रहा है फिगर? Yes, sir. देखो बच्चों, जब माइक्रोपाइल चलाजा और फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल चलाजा और फ्यूनिकल, या ये कहें कि माइक्रोपाइल चलाजा और हीलम, माइक्रोपाइल चलाजा और हीलम, हीलम क्या है? जहां फ्यूनिकल चलाजा से जुड़ता है उसे हीलम बोलते हैं। तो माइक्रोपाइल चलाजा और हीलम एक एक लाइन में हो, एक लाइन में अरेंज हो, तब उस ओव्यूल की संरचना को हम कहेंगे आर्थोट्रॉपस ओव्यूल। देखो यहां पे इसे क्या करेंगे, ये जो छेद है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो, बोलो इतना लिखने में मशगूल हो, कुछ पूछो तो बोलना ही नहीं है, वीडियो बन रही है, सब कुछ बन रहा है, बोलने से जुड़ते रहोगे तो समझ में भी आएगा, क्या पता देखते देखते सो जाओ। अच्छा, ये माइक्रोपाइल है, जहां पे दोनों इंटेगमेंट जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? चलाजा। वेरी वेरी गुड। जहां फ्यूनिकल जुड़ता है चलाजा से उसे क्या बोलते हैं? हीलम। ठीक है, जरा बेटा अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें तो ये लाइन क्या है? सीधी निकल जा रही है ना, इसका मतलब माइक्रोपाइल चलाजा हीलम, माइक्रोपाइल चलाजा और हीलम एक सीध में है, तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम लोग आर्थोट्रॉपस ओव्यूल बोलते हैं। लिख लो इसको, जब माइक्रोपाइल, इस हाथ में पिक्चर बनाए होंगे इस हाथ में, या फिर अगर ऊपर पिक्चर बनाए हैं तो नीचे उसके लिख लीजिए या बगल में लिख लीजिए, जब माइक्रोपाइल चलाजा हीलम तीनों एक ही लाइन में स्थित हो, एक सीध में या एक लाइन में, एक सीध में उपस्थित हो, तो इस प्रकार के ओव्यूल को, ओव्यूल को ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहते हैं। तो इस प्रकार के ओव्यूल को आर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहते हैं। इस प्रकार के ओव्यूल को आर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, और क्या प्रश्न पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कि सबसे प्रिमिटिव या सबसे प्रारंभिक अवस्था में कौन सा ओव्यूल बना था? आर्थोट्रॉपस ओव्यूल बना था। आर्थोट्रॉपस ओव्यूल इज द प्रिमिटिव ओव्यूल। कहां कहां पाया जाता है बेटा? ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में जिसके साइका, स्पाइनस, इफेड्रा मेंबर हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधे, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ये तो मान लो चले अनावृत बीजी पौधे हैं। आवृत बीजी पौधों में भी पाए जाते हैं, दो ऐसे पौधे जिसमें ये पाया जाता है आर्थोट्रॉपस ओव्यूल,
एक तो काली मिर्च ब्लैक पेपर और दूसरा पाया जाएगा पान में, काली मिर्च और पान में भी यह पाया जाता है, इसका उदाहरण ये भी है। इसके साथ साथ काली मिर्च के पौधे में भी पाया जाता है ऐसा, और पान के पौधे में भी ऐसा पाया जाता है, काली मिर्च में पाया जाता है और पान के पौधे में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ई डॉट जी डॉट, अगर ई डॉट जी डॉट लिख दिया तो मतलब एग्जाम्पली ग्रेटिया, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। फिगर बन गया, दूसरा लिखवाए बाकी बच्चे। यस सर। मधुर, लाली। यस सर। अब ये ऐसे है, हम देखें तो ऐसे है ना, ओव्यूल ऐसे दिख रहा है, ऐसे देखो ओव्यूल ऐसे दिख रहा है, माइक्रोपाइल चलाजा और हिलम सब एक लाइन में है। अब ऐसे होने के बजाय अब ऐसे हो जाए, 180 डिग्री घूम जाए, यहां से 180 डिग्री घूम जाए, मतलब माइक्रोपाइल आ जाए हिलम के करीब, माइक्रोपाइल आ जाए हिलम के करीब, तो हो जाएगा क्या, एनाट्रोपस ओव्यूल। जब ओव्यूल घूम 180 डिग्री घूम जाता है तथा माइक्रोपाइल हिलम के करीब पहुंच जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना को एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसको मिटा रहा हूं ताकि उसे लिख सकूं। एनाट्रोपस ओव्यूल, देखो कैसे बनेगा, कुछ नहीं बस ऐसे बना लो। दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? यस सर। जो ओव्यूल ऐसे था सीधा, अब वो 180 डिग्री घूम गया, तो माइक्रोपाइल किसके करीब आ गया, माइक्रोपाइल आ गया फ्यूनिकल के करीब, माइक्रोपाइल किसके करीब आ गया, फ्यूनिकल के। ये क्या चीज है, चलाजा, ये चलाजा है ना, ये हिलम है, ये फ्यूनिकल है। तो इस प्रकार के ओव्यूल में माइक्रोपाइल तथा चलाजा तो एक सीध में होते हैं, परंतु शेष जो हिस्सा होता है ओव्यूल का वह 180 डिग्री घूम जाता है, माइक्रोपाइल चला आता है फ्यूनिकल के पास, माइक्रोपाइल चला आता है फ्यूनिकल के पास, ठीक है, माइक्रोपाइल चला आता है फ्यूनिकल के पास। दिख रहा है, फिगर बनाओ, लिखवा दें इसको। चल, जब ओव्यूल 180 अंश घूम जाए जिससे माइक्रोपाइल तथा चला जा तो एक सीध में रहें,
तो एक सीध में रहें। परंतु माइक्रोपाइल घूमकर फ्यूनिकल के पास आ जाए, फ्यूनिकल के पास आ जाए इस अवस्था को, फ्यूनिकल के पास आ जाए इस अवस्था को एनाट्रापस ओव्यूल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था या इस ओव्यूल, इस प्रकार के ओव्यूल को एनाट्रापस ओव्यूल कहते हैं। इस प्रकार के ओव्यूल को एनाट्रापस ओव्यूल कहते हैं। हो गया, उदाहरण नोट करिए। yes, अब उदाहरण नोट करिए कि किसमें किसमें पाया। यस yes, क्या बोले, कहां कहां पाया जाता है ये देख लो। मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी, मालवेसी फैमिली में, मालवेसी VACEA, मालवेसी फैमिली, नाम सुने हो, प्लांट फैमिलीज के नाम बताए गए हैं आप लोगों को 11th में। No, no? What are you saying? पता नहीं आपको मालवेसी फैमिली का नाम नहीं सुना? बाकी बच्चे सर नाम सुना है। अच्छा, मालवेसी का कोई उदाहरण बता दो। मालवेसी का गुड़हल का नाम बस सुना है। अच्छा बस, बाकी बता दे। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता दे रहा हूँ। मालवेसी फैमिली का फेमस उदाहरण है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल देखा है, जासून जिसे बोलते हैं बुंदेली में। यस सर। हाँ, तो जो है मालवेसी को मेंबर। आगो समझ में तुम्हारो को? यस सर। ओके। यस सर। तो मालवेसी हो गया। मालवेसी कपास, कॉटन के कपड़े दुनिया पहनती है, जानते हो, मालवेसी का ही मेंबर है। किसका मेंबर है? मालवेसी का। तो किस किस फैमिली, प्लांट की किस फैमिली में यह इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है? तो मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी, ठीक है, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, याद कर लो, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी सुन लो, कुकुरबिटेसी के मेंबर का नाम सुनो, ककड़ी खाते हो? Yes, sir. उसी का मेंबर है। yes, sir. ओ, जो एक मेंबर है जे, मतलब इसी के मेंबर है वो लोग, ठीक है, कुकुरबिटेसी। अब कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली का दूसरा नाम एस्टरेसी भी है। कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है? एस्टरेसी। गेंदा का फूल देखे हो तुम? अरे जोई को मेंबर है, ठीक है। सूरजमुखी देखे हो पिक्चर में? सचमुच में शायद ही देखे होंगे। आओ आओ, जोई है, इसका उदाहरण है वो, ठीक है। चौथा सुनो, सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली, कोई उदाहरण बताओ बड़ा फेमस। भरता में क्या क्या बन, क्या क्या डाला जाता है? और भरते में क्या क्या डाला जाता है? बताते जाओ, बताते जाओ। आलू, बैंगन और नहीं कुछ? टमाटर, वेरी गुड। रुक जाओ, आलू, आलू, बैंगन और टमाटर तीनों सोलेनेसी के मेंबर हैं।
इसका मतलब है कि भरता फैमिली है क्या ये? भरता फैमिली का मुख्य इंग्रेडिएंट, आलू के भरते का क्या मुख्य इंग्रेडिएंट है? आलू है, बैगन है, टमाटर है, तीनों इसी के मेंबर हैं। ठीक, तो मालवेसी कुकुरबिटेसी कंपोजिटी सोलेनेसी MCCS MCCS। ठीक, मालवेसी कुकुरबिटेसी कंपोजिटी और सोलेनेसी। अच्छा, ये तो डाइकॉट है, डाइकॉट का मतलब इनके बीज जो है दो टुकड़ों में बच जाते हैं, दो कॉटिलेडोन होते हैं। मोनोकॉट फैमिली में भी कुछ उदाहरण है बच्चों, मोनोकॉट फैमिली पे भी, मोनोकॉट का मतलब ऐसे पौधे जिनका बीज जो है दो, जिसमें एक ही कॉटिलेडोन हो। गेहूं को दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते ना, गेहूं का बीज देखा है एक सिंगल दिखता है, वो मोनोकॉट है। घास की जो भी परिवार के मेंबर है सब क्या है? मोनोकॉट है। ठीक, तो मोनोकॉट फैमिली में कैप्सेला, कैप्सेला एक पौधा है जो मोनोकॉट में है, कैप्सेला वो भी उसी का उदाहरण है, कैप्सेला, कैप्सेला। और देखो इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, अंडरलाइन करने का मतलब है कि बोटेनिकल नाम है, वानस्पतिक नाम है, इसलिए इसका उदाहरण। तो ये पांचवा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा कैप्सेला, याद कर लेना। एनाट्रापस ओविल में क्या हुआ? ऑर्थोट्रापस में ऐसे था सीधा, ठीक है, क्या था? ऑर्थोट्रापस में ऐसे सीधा था, ठीक है, एनाट्रापस में घूम गया 180 डिग्री, घूम गया 180 डिग्री, घूम गया। ऑर्थोट्रापस में क्या था? जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाया जा रहा था, काली मिर्च और पान में पाया जा रहा था, जबकि एनाट्रापस में क्या होता है? कंपोजिटी, सोलेनेसी, मालवेसी और कुकुरबिटेसी में पाया जाने वाला है, साथ साथ कैप्सेला में पाया जाने वाला है। देख के लिख लो, लिख लिया है? Yes, sir. आज आज के लिए इतना ही, अब हम लोग पढ़ेंगे कल, ये बाकी पढ़ना है और आगे की प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। कल की क्लास जो होगी 6:00 से शुरू हो जाएगी, 6 बजे से हमारी क्लास होगी, ठीक है। Yes, sir. आप सब फ्री रहते हैं ना उस समय? किसी को अदर कोई क्लास तो नहीं समस्या कर रही है, कोई कहीं व्यस्त तो नहीं है? तो कल से हमारी क्लास 6 बजे होगी, आप लोग ग्रुप पे भी लिख दीजिएगा ताकि बच्चे लोग 6 बजे आ जाएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नोट्स बना लीजिएगा, जो लिखवाया है वो याद कर लीजिएगा, कल मैं पूछूंगा, ठीक। चलो बच्चों।